सो अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग देर आर थ्री बेसिक टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस. स्टर्नबर्ग ने तीन बेसिक तरह की इंटेलिजेंस दी हैं, जो है कॉम्पोनेंशियल, या जिसे एनालिटिकल फिसेट सब थ्योरी भी कहते हैं, कॉम्पोनेंशियल या एनालिटिकल इंटेलिजेंस. तो जो कॉम्पोनेंशियल या एनालिटिकल इंटेलिजेंस है, वो एबिलिटी है टू कंप्लीट एकेडमिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क. बेसिकली कॉम्पोनेंशियल जो ये इंटेलिजेंस है, ये एकेडमिक या प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क से रिलेटेड है. दीज टास्क आर यूजुअली वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स. ये जो इस तरह की इंटेलिजेंस के जो टास्क हैं, वो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स होती हैं दैट हैव अ सिंगल करेक्ट आंसर, और उनका सिर्फ एक सिंगल आंसर होता है. सो इट रिफ्लेक्ट्स हाउ एन इंडिविजुअल रिलेट्स टू हिज इंटरनल वर्ल्ड. तो ये बताता है कि कैसे एक इंडिविजुअल अपने इंटरनल वर्ल्ड से रिलेटेड है. स्टर्नबर्ग के अकॉर्डिंग एनालिटिकल इंटेलिजेंस इज़ बेस्ड ऑन द जॉइंट ऑपरेशंस ऑफ मेटा कॉम्पोनेंट्स. तो जो ये एनालिटिकल इंटेलिजेंस है ना, ये बेस्ड है कि जॉइंट ऑपरेशंस पे किसके, मेटा कंपोनेंट, परफॉर्मेंस कंपोनेंट और नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट के. तो स्टर्नबर्ग का मानना है एनालिटिकल इंटेलिजेंस जो है, इट इज़ बेस्ड ऑन जॉइंट ऑपरेशन ऑफ थ्री, मेटा कंपोनेंट, परफॉर्मेंस कंपोनेंट एंड नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट. इन तीनों पे बेस्ड है. लेट्स स्टार्ट विथ मेटा कंपोनेंट. सो मेटा कंपोनेंट्स क्या होते हैं? दे कंट्रोल, मॉनिटर एंड इवेल्युएट कोगनेटिव प्रोसेसिंग. मेटा कंपोनेंट्स कंट्रोल करते हैं, मॉनिटर करते हैं, इवन इवेल्युएट करते हैं कोगनेटिव प्रोसेसिंग को. सो मेटा कंपोनेंट्स कंट्रोल, मॉनिटर एंड इवेल्युएट कोगनेटिव प्रोसेसिंग. दीज आर द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस दैट ऑर्डर एंड ऑर्गेनाइज. बेसिकली एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं, हायर ऑर्डर प्रोसेसेस हैं ये, जो ऑर्डर करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं परफॉर्मेंस को एंड नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट्स को. मेटा कंपोनेंट्स कंट्रोल, मॉनिटर, इवेल्युएट करते हैं कोग्निटिव प्रोसेसिंग को, और ये एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं या फिर हाई ऑर्डर प्रोसेसेस आप इनको कह सकते हो, जो कि ऑर्डर, ऑर्गेनाइज करते हैं परफॉर्मेंस को एंड नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट्स को भी. ओके, मेटा कंपोनेंट्स आर यूज्ड टू एनालाइज प्रॉब्लम्स एंड पिक अ स्ट्रैटेजी फॉर सॉल्विंग देम. तो ये जो कंपोनेंट्स हैं, इनका आप यूज़ करते हो प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने के लिए भी, एंड टू इवन पिक अ स्ट्रैटेजी फॉर सॉल्विंग देम. सेकेंड इज़ परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स. ये लोअर ऑर्डर प्रोसेसेस हैं दैट एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द मेटा कंपोनेंट्स. बेसिकली लोअर ऑर्डर प्रोसेसेस जो कि मेटा कंपोनेंट्स से जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं, उनको एग्जीक्यूट करते हैं. नाउ दिस लोअर ऑर्डर कंपोनेंट्स सॉल्व द प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू द प्लान दैट इज़ लेड आउट बाय द मेटा कंपोनेंट्स. अब ये जो लोअर ऑर्डर कंपोनेंट्स हैं, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उस प्लान के बेसिस पे जो कि मेटा कंपोनेंट्स द्वारा लाया गया है. सो परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स आर फाउंड इन इंडक्टिव रीजनिंग ऑफ यू नो दैट इज़ मेजर्ड बाय टेस्ट सच एज. अब परफॉर्मेंस कंपोनेंट इंडक्टिव रीजनिंग के थ्रू आप मेजर कर सकते हैं, जैसे कि इसको मेजर किया जा सकता है बाय टेस्ट सच एज मेट्रिक्स वगैरह का यूज़ करके, एनालॉगीज़ का यूज़ करके, सीरीज़ कॉम्प्लीशन टेस्ट यूज़ करके और क्लासिफिकेशंस करवा के. सो आइडेंटिफाइंग दिस परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स कैन गिव अस सम इनसाइट इनटू द जी फैक्टर. तो जब परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, जब आइडेंटिफाई कर लिया गया अगर इन परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स को, दैट विल गिव सम इनसाइट इनटू द जी फैक्टर्स. ठीक है, परफॉर्मेंस कंपोनेंट को जानने के बाद इनसाइट प्राप्त होती है जी फैक्टर्स में, जनरल फैक्टर्स में से. आइडेंटिफाइंग दिस परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स प्रोवाइड्स अस इनसाइट इनटू जी फैक्टर. नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट, दे आर यूज्ड टू लर्न हाउ टू डू व्हाट द मेटा कंपोनेंट्स एंड परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स इवेंचुअली डू. नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट क्या होते हैं? बेसिकली इनका हम इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं इनको टू लर्न हाउ टू डू व्हाट द मेटा एंड परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स इवेंचुअली डू. बेसिकली हमें ये बताते हैं कि
क्या करना है, लाइक जो भी मेटा कंपोनेंट्स द्वारा या परफॉर्मेंस कंपोनेंट द्वारा काम किया गया इवेंचुअली, व्हाट दे डिड इज ऑल एक्नॉलेज्ड बाय नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट. दे आर यूज्ड टू लर्न हाउ टू डू व्हाट मेटा एंड परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स इवेंचुअली डू.